आप सभी को दोस्तों ऑटो इलेक्ट्रिक एंड एसी वर्किंग में स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ CR4 का, टाटा इंडिगो CR4 प्रॉब्लम। ये मैं दिखाता हूँ आपको। कस्टमर का कहना है कि स्टार्ट करने के बाद RPM 10 से ऊपर रहता है। ये देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉरी, सेंटर लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। इसके बाद ये गाड़ी देखिए, ये RPM 10 से ऊपर है। इसमें एक ये येलो कलर की ये फिल्टर की लाइट आ रही है। स्कैन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। इंजन को ऑफ करेंगे। अब हम स्कैन करेंगे लॉन्च से। इसको ये साइड में OBD रहता है। ओह शिट, इसको तो ये पूरा पैक करके रखा है। यहाँ पे इसको ये पैक है पूरा। ये देखिए यहाँ पे रहता है। ये शायद निमिनेशन करवाने के कारण ये पूरा पैक कर दिया। इसको मैं अभी ये देखिए अब स्कैन कर एशिया में जाएंगे। टाटा में जाएंगे। ओके करेंगे। पैसेंजर कार्स में जाएंगे। इंडिगो में जाएंगे। डोमेस्टिक में जाएंगे। डीजल में जाएंगे। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है CR4 1.4 इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में स्कैन करेंगे। अब रीड फॉल्ट कोड चेक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम दिखा रहा है। ये देखिए क्लियर करके एक बार देख लेते हैं। सारा क्लियर हो गया। क्लियर, फिर से रीड फॉल्ट बटन। अब यहाँ पे दिखा रहा है वाटर इन फ्यूल डायरेक्ट। अब उसमें फ्यूल फिल्टर में एक सेंसर लगा हुआ है। उस फिल्टर में सेंसर लगा हुआ रहता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सेंसर के कारण भी वायरिंग का प्रॉब्लम भी रहेगा। तो और मैट लाओ तो, और इसमें डीजल फिल्टर में डीजल में पानी चल जाएगा, उसके कारण सेंसर ख़राब हो जाएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए ये तो लगा हुआ है तार। पहले हम इसको निकाल कर थोड़ा सा डीजल को गिरा कर चेक कर लेंगे। उसके बाद से फिर हम देखिए पानी है कि नहीं, ये सब पता चल जाएगा। हम हाँ हल्का पानी का इसमें हम सब थोड़ा बहुत इससे डीजल गिरा देंगे। उसके बाद फिर से इसको हम इसमें हम लगा देंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे। जैक को हम वापस लगाएंगे। ये बैठ गया जैक। यहाँ पर कंप्लीटली देख ली, चेक कर लेते हैं क्या आगे क्या रिजल्ट इसका देता है। इग्निशन को हमने ऑन करेंगे। ये देखिए डीजल फिल्टर का फिर से स्टार्ट करके रखेंगे। बिल्कुल ये सही है। इसका मतलब
डीजल फिल्टर में पानी जाने के वजह से आरपीएम तेज़ हो जाता है, सेंसर भी प्रॉब्लम रहेगा तो तेज़ हो जाएगी, और वायरिंग प्रॉब्लम भी रहेगा उसके कारण भी तेज, एक्सीलेटर पैंडल का भी प्रॉब्लम रहेगा उसके कारण भी हो जाएगा इंजन रेस। कस्टमर का कहना था कभी इंजन रेस हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, बट अभी हम देख लेते हैं ड्राइव करके।